उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या मामले में माहौल गरमाया हुआ है। विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार को घेर रहे हैं, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया जा रहा है। वहीं सीएम योगी ने विधानसभा में प्रयागराज हत्याकांड के आरोपियों को मिट्टी में मिला देने की बात कही है। पुलिस की ओर से जांच चल रही है। प्रयागराज कमिश्नरेट और एटीएस की टीम ने हत्याकांड के एक आरोपी का एनकाउंटर कर दिया है। वही एक दूसरी तरफ आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। उमेश पाल मर्डर के मुख्य आरोपी पूर्व सांसद और बाहुबली अतीक अहमद के बेटे असद अहमद की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश बढ़ाई हुई है। वहीं अब प्रशासनिक स्तर पर भी कार्रवाई शुरू हो गई है। अतीक के खास गुर्गे जफर अहमद के घर पर बुलडोजर चल रहा है, पूरी घर तोड़ी जा रही है। बताया जा रहा है कि उमेश पाल की हत्या करने के बाद जफर अहमद के इसी घर पर शूटर अतीक की पत्नी शाइस्ता से मिलने आए थे।